इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं। कुछ लोगों का टैलेंट इतना जबरदस्त होता है जिसे देखकर दुनिया भी हैरान रह जाती है। इन दिनों यूपी की एक लड़की के टैलेंट का डंका दुनिया भर में बज रहा है। दरअसल इस लड़की ने एक साथ एक हाथ से 15 महापुरुषों का स्केच बनाकर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक लड़की एक ही समय में एक हाथ से 15 अलग अलग लोगों का स्केच बनाती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो क्लिप में नूरजहां को 15 कलम पकड़ने के लिए लकड़ी का फ्रेम बनाते हुए दिखाया गया है। वो लकड़ी के छोटे टुकड़ों में नीले और लाल रंग के पेन लगाती हैं, जिसके जरिए वो एक साथ महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों के 15 चित्र बनाती हैं। देखिए कैसे लड़की एक साथ 15 तस्वीरों को बना रही है। वहीं लोग उनके हुनर को देखकर हैरान हैं। जो कोई भी उनके इस अनोखे हुनर को देख रहा है वो इसे चमत्कार बता रहा है। लड़की की तारीफ करने में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी पीछे नहीं है। उन्होंने इस लड़की का टैलेंट देखकर उसकी जमकर सराहना की है। आनंद महिंद्रा ने इस लड़की को टैलेंटेड आर्टिस्ट कहा है। आनंद महिंद्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने लकड़ी का एक फ्रेम बनाया और इसमें 15 पेन को ऐसे बांधा जिससे कि वो एक साथ चल सकें। इसके बाद लड़की व्हाइट बोर्ड पर स्केच बनाना शुरू करती है। आप देख सकते हैं कि लड़की ने कुछ ही मिनटों में 15 अलग अलग महापुरुषों की तस्वीर एक साथ बना दी। लड़की स्केचिंग करती रहती है और अंत में जो रिजल्ट आता है उसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, ये कैसे संभव? जाहिर है ये एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, लेकिन एक बार में 15 चित्रों को चित्रित करना कला से कहीं अधिक है। ये एक चमत्कार है। आनंद महिंद्रा ने इसके साथ ही कहा कि अगर कोई शख्स लड़की की इस उपलब्धि की पुष्टि करता है तो वो उसे प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लड़की को छात्रवृत्ति और दूसरी प्रकार की सहायता देने में खुशी होगी। बता दें कि बदायूं के विजय नगला गांव की रहने वाली कलाकार नूरजहां को बचपन से ही ड्राइंग में दिलचस्पी थी और वो हमेशा देशभक्त रही हैं और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती हैं। नूरजहां ने कहा कि अजय मीना सर, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने उसकी कला को देखा, जिसके बाद उन्होंने उसे प्रमोट किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, साथ ही इसे निखारने में सहयोग किया। उसके इस काम में उसके माता पिता का भी और भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। तो मैं इसकी काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने हार्डवर्क किया इसके लिए। मतलब मैं दिन रात इसी में लगी रहती थी, कैसे होगा ये, कैसे होगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और अपने ड्राइंग पे फोकस किया, मैंने पूरा अपने माइंड को उसी पे रखा, तो इस कारण मैंने ये कर पाई मैं। कितनी उम्र से आपके अंदर ये कला है? मतलब मैं कक्षा 5 में थी तो उससे पहले ही मेरे अंदर ये था कि मैं ड्राइंग के क्षेत्र में जाऊं। तो आपको स्कूल जी हैं, उन्होंने ट्वीट करा है आपको भी स्कॉलरशिप देना चाहते हैं आप। हमें बहुत अच्छा लगा, आनंद महेंद्र जी ने हमें सपोर्ट किया,
तो तहे दिल से उनके लिए शुक्रिया मेरी तरफ से। आप कैनवास पे एक साथ 15 चित्र बना लेती हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? ये हमने फेसबुक पेज पे एक नूर हसन आर्टिस्ट की वीडियोस देखी तो मुझे वहाँ से ये प्रेरणा। बता दें कि बदायूं और बरेली की सीमा पर बसे सलारपुर ब्लॉक स्थित विजय नगला गांव की रहने वाली नूरजहां कक्षा 9 की छात्रा है। अब तक वो कई इनाम जीत चुकी है। गरीब परिवार में पली बढ़ी नूरजहां 8 भाई बहनों के बीच 5वें नंबर की है। नूरजहां के पिता महमूद गांव में ही सिलाई की छोटी सी दुकान चलाते हैं। हम सिलाई करते हैं, लेकिन ये बेटी हमारी जो पढ़ने जाती थी ना, तो लौट के जब स्कूल आती थी तो ये कभी कभी मतलब इसका दिमाग अगर कहीं भी कोई चीज़ देख ली, किसी आदमी को देख लिया, तो उसके मतलब वो वीडियो मोबाइल पे देखना शुरू इसने किए। तभी इसके दिमाग में आया कि मैं भी पेंटिंग बनाऊं। तभी इसने शुरुआत की। तो ये स्कूल में जो पढ़ने जाती थी ना, तो टीचर लोग हैं वो बहुत सहयोग करते थे, तो उन्हीं की ये पेंटिंग बनाती थी। जब इन्होंने दिखाया, उन्होंने इसकी और प्रशंसा की, तभी इसके अंदर और जुनून आया। तभी इसने महापुरुषों की देखी, रानी लक्ष्मीबाई की देखी, तो इसने सोचा मैं अपने देश के प्रति और ज़्यादा पेंटिंग बनाना शुरू करूँगा। तो इस हिसाब से इसे लगन हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। कौन से नंबर की है लड़की? ये 5वें नंबर की है। वहीं नूरजहां की मां फरजाना का कहना है कि उनकी बेटी दिन भर अलग अलग पेंटिंग बनाती रहती है। ये काम वो लगभग पिछले 2 साल से ज्यादा समय से कर रही है। उसे पेंटिंग का इतना शौक है कि वो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती है। वहीं नूरजहां को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले प्राइमरी स्कूल के टीचर अजय सक्सेना का कहना है कि कक्षा 1 में जब इसने एडमिशन लिया था, तभी से ही इस बच्ची में हमने टैलेंट देखा। ये स्कूल में भी अक्सर चित्रकारी करती रहती थी। हमारी टीचर्स के बीच में हूबहू स्केच बनाए हैं। सर, मैंने शुरू से जब से कक्षा 1 से जब इसको पढ़ाया है, तब से मैंने इसके अंदर टैलेंट देखा है और आगे भी कक्षा 1 से 5 तक हमारे यहाँ पढ़ी है, तो इसके अंदर ड्राइंग में भी काफ़ी रुचि थी, बाकी पढ़ने में भी बहुत रुचि थी। हमारे सबसे अच्छे मतलब फर्स्ट उसमें नंबर इन्हीं बच्चों का आता था, जिसमें नूरजहां, ये मतलब इसकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी थी। सच कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ये किसी में भी हो सकती है। असाधारण हुनर किसी को भी चौंका सकता है। ऐसा ही कुछ अनोखा हुनर नूरजहां में है। बस जरूरत है तो नूरजहां जैसी लड़की को सही ट्रैक देने की। अब देखना होगा आगे जाकर नूरजहां कैसे अपने देश का नाम रोशन करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।